हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाला हूं। अभी आप लोगों को पता है पबजी पे तकरीबन बैन लग गया है 5 दिनों से, और पबजी अब प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों जगह से हट गई है। जिनके फ़ोन में भी चल रही थी वहाँ भी इशूज़ आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि पबजी ऑफिशियली बैंड है अभी इंडिया में करेंटली। लेकिन पबजी इंडिया में इसलिए बैन हुई थी क्योंकि पबजी टेंसेंट प्रेजेंट करता है इंडिया में, और टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को चाइना से प्रॉब्लम है, पबजी से प्रॉब्लम नहीं है। तो पबजी का बेसिकली क्या है, जो पबजी गेम है ना वो एक्चुअल में चाइनीज़ गेम है ही नहीं, वो साउथ कोरियन गेम है। पबजी कॉरपोरेशन जो कंपनी है वो साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। लेकिन जब इसके मोबाइल वर्जन की बात आती है तो मोबाइल वर्जन के लिए पबजी ने कोलैबोरेट किया हुआ है टेंसेंट के साथ, और टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है। तो एक तरीके से जो टेंसेंट है वो ब्रिज की तरह काम करता है पबजी को, पबजी मोबाइल पर लाने के लिए जो बीच में एक ब्रिज है वो टेंसेंट है। तो अब पबजी चाहे तो उस ब्रिज को किसी और कंपनी को भी दे सकता है, उस ब्रिज को हटा सकता है। तो टेंसेंट से शिफ्ट होकर वो किसी और कंपनी की तरफ जा सकता है, चाहे वो इंडियन हो या कोई और गेम डेवलपिंग कंपनी हो किसी भी कंट्री से रिलेटेड। तब अगर ऐसा हो गया तो पबजी अनबैन हो जाएगी, क्योंकि तब तो चाइना वाला फैक्टर ही नहीं रह जाएगा। और ऐसा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि पबजी ने अपने ट्वीट में बताया है कि पबजी ऑफिशियली अब जो मोबाइल गेम है उनका जो मोबाइल वर्जन है इंडिया में, टेंसेंट रिप्रेजेंट नहीं करेगा पबजी मोबाइल को, कोई और ब्रांड करेगा, कोई और कंपनी करेगी। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स निकल करके नहीं आई हैं, लेकिन पबजी ने ऑफिशियली ट्वीट किया है। तो ट्वीट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट है। मैं आप लोगों को मेजर हाईलाइट पॉइंट्स पढ़ के समझाना चाहूंगा। पबजी मोबाइल इज द मोबाइल वर्जन ऑफ प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड। पबजी एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन्ड एंड डेवलप्ड बाय पबजी कॉरपोरेशन अ साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी। इस चीज से आप समझ चुके हो कि पबजी 1% भी चाइनीज गेम नहीं है, कंप्लीटली साउथ कोरियन गेम है, क्योंकि पबजी कॉरपोरेशन साउथ कोरियन कंपनी है। तो इस चीज़ से आप क्लियरली समझ सकते हो जो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई कि पबजी मोबाइल कम्प्लीटली पबजी की प्रॉपर्टी है। तो पबजी जो है वो साउथ कोरियन कंपनी है और पबजी गेम चाइनीज़ नहीं है। बहुत लोगों को लगता है पबजी गेम ही चाइनीज़ है, जी नहीं, पबजी गेम चाइनीज़ नहीं है, पबजी गेम साउथ कोरियन गेम है। बस जो पबजी मोबाइल है उसके लिए टेंसेंट के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। तो अब ये कोलैबोरेशन भी ख़त्म होने वाला है, खास करके इंडिया के लिए। तो इंडिया में कोई और सी कंपनी, कोई और सी गेम डेवलपिंग कंपनी को मौका मिलेगा, अच्छी बात है, अपनी इंडिया का भी इसमें फ़ायदा होगा। तो पबजी भी अनबैन हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कितने लोग अच्छे से एक्साइटेड हो गए हैं इस न्यूज़ के बाद मुझे बताना, काफ़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि बहुत से स्ट्रीमर्स हैं जिनकी गेम्स रुक गई हैं, ऑडियंस थोड़ी सी कम हो गई है। पबजी के आने के बाद मुझे लगता है फिर से फुल फोर्स के साथ सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, और जो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पबजी खेलते थे उन लोगों को भी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप सभी के लिए बहुत जल्दी एक सरप्राइज आने वाला है, आपको शायद फ्रेम में दिख रहा होगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।